हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त जानू भाई, और आज शुरुआत हो रही है सबसे खतरनाक टास्क के साथ, क्योंकि हमारे कुएं में पड़ गया एक पक्षी और हमें जस्ट अभी पता चला है। मैं ऐसे ही निगाह मारने चला गया था, तो अभी मैंने निकाल ली अपना रस्सा, इससे बांधेंगे हम बाल्टी। बाल्टी हम प्लास्टिक की नहीं बांधेंगे, बांधेंगे लोहे वाली, जिसका थोड़ा वेट हो, क्योंकि जब मैं नीचे रस्सा डालूँगा कुएं में पक्षी है उसको भर लेंगे और ऊपर ले आएंगे, और वो छोटा पक्षी है जाले के अंदर घुस जाते हैं वो, और वो मर गया होगा, पानी में डूब गया होगा किसी वजह से। तो चलिए अभी चलते हैं, उसको निकालेंगे। तो गाइस, हमारे साथ टास्क में है मेरी दीदी छोटी वाली, और यही है मेरी टास्क लीडर। तो गाइड मैं करूँगा, काम मैं करूँगा, ये मेरे कैमरामैन बनेंगे। तो अभी हम करने वाले हैं अपनी बाल्टी को ज्वाइंट रस्से से, अच्छे से करेंगे। अभी असली लीडर तो ये है, मैं कोई भी काम करने जाऊंगा ये हमेशा मुझे गाइड करेंगे करेंगे अपने तरीके से, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वैसे ही करना, वैसे नहीं करना। तो अभी वही चला है, हर मम्मी क्या लेके जा रही है, ये दर्द है, और क्यों लेके जा रही है भी आप मतलब पता चल जाएगा आगे आपको वीडियो में। और रस्सा बांधने का काम अभी दीदी करेगी। तो लीजिए, तो आपको पहले सबसे पहले लीडर को ही टास्क दिया जाएगा। आप देखते हैं अभी दीदी किस तरह रस्सा बांधते हैं, ये टाइट होगा या नहीं होगा, और ऐसा होना चाहिए कि खुल ना जाए। अगर खुला तो ये बाल्टी जाएगी कुएं में और फिर हमें मिलेगी बहुत टाइम बाद। तो रस्सा टाइट होना चाहिए। तो दीदी ने टाइट रस्सा बांध दिया है, अभी कैमरा जाएगा दीदी के पास, बाकी काम मैं करूंगा आगे से। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं अपने कुएं की तरफ। चलिए आप भी। हमारा कुआं जो है दोस्तों, वो हमारे चाचा के घर के एकदम पीछे है। वैसे तो हमने बहुत सी सिक्योरिटी लगा के रखी है लोगों के लिए, कि लोग भी अंदर ना मतलब ऐसी गलती से गिर जाए। इसको ऊंचा किया गया है, काफ़ी ऊंचा किया गया है, और जाला लगाया हुआ है। बट आप देख सकते हैं जाला इतना भी पतला नहीं है, मतलब थोड़ा मोटा है, पक्षी घुस ही जाते हैं। और अभी मैं दीदी से कैमरा लेके आपको बताता हूँ पक्षी कहाँ पे है। अगर आपको दिखाई देगा, ये गिरा हुआ है। तो अभी कैमरा दीदी पकड़ेंगे, बाकी का काम मुझे करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जाला है कवर किया हुआ, जहाँ से हम अंदर बाहर जाते हैं, ये करना पड़ेगा हमें ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले हम रस्सा बांध लेंगे ताकि गलती से मुझसे छूट जाए तो ये संभाल लेगा। तो अभी ये धीरे धीरे अंदर जाएगी। फोन को थोड़ा पक्का पकड़िएगा, सांसें मेरी तब रुक जा रही है। और क्या, बाल्टी पहुंच पाएगी? हाँ, पहुंच गई है बाल्टी, और एकदम रस्सा भी पूरा पूरा ही हुआ है। और पक्षी आ जा। तो गाइस, कम से कम पौने एक घंटे की मेहनत से हमने पक्षी को बाल्टी के अंदर ले लिया है। बड़ी बाल्टी में नहीं आ रहा था वो, क्योंकि वो उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। अभी हमने छोटी बाल्टी ली है, उसमें आ गया है, अभी हम निकालने वाले हैं उसको। देखो हमारा पक्षी, वो शिट कितना बड़ा पक्षी, और ये इतना फूल चुका है। पकड़ा थी तेरे मम्मी पकड़ने का सीने पकड़ लेना। तो गाइस, पक्षी अब निकल चुका है, और स्मेल कितनी हो रही है कि कैसा है। हम रस्सा निकाल लेंगे, ये दोनों जालियाँ लगा देंगे, फिर हम चल पड़ेंगे। गाइस क्या बोल मम्मी बोले, गाइस बहुत खराब है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अभी हम चल पड़े हैं घर को। चलिए, पसीने पसीने हो गए, देख लो कितनी गर्मी है। सो गाइस, हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और शेयर भी, लाइक एंड कमेंट तो ज़रूर किया करो।
गाइस 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 गाइस, इस कड़ी मेहनत के बाद अभी मैं जाने वाला हूँ अपने ताया जी के साथ दसलेड़ा। वहाँ से हम लेके आएंगे अपनी भैंस के लिए जो आने वाली है उसके लिए खाने के लिए सामान, बड़ुए दरड़ मत नहीं बड़ुए खाड़ तारा मीरा और भी मतलब जो चीज़ें चाहिए उसको खाने के लिए, और हम खुद के लिए भी लेके आएंगे ग्रोसरी थोड़ी सी। मतलब हालत ख़राब होगी, मैं बता नहीं सकता है, इतना टाइम लगा उसको निकालने में और इतना पेशेंस रखना पड़ा ना। मतलब मैं पहले जल्दबाजी कर रहा था तो नहीं आ रहा, फिर लास्ट में मैंने इतना पेशेंस रखा एकदम आराम से मतलब तब जाके निकला। मतलब पेशेंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर पेशेंस नहीं होगा किसी काम में तो फिर वो काम अच्छा नहीं होने वाला है। वो आपको मैं अभी बता देता हूँ कि काम कोई भी करो थोड़ी पेशेंस रखो, अगर उसमें रखने वाला है मतलब उसमें अगर पेशेंस चाहिए तो उसमें रखो। अब इस काम में भी पेशेंस चाहिए था जो मेरे में स्टार्टिंग में नहीं था, मैं एक्साइटेड था कि वो जल्दी जल्दी निकालूंगा, नहीं निकला। जब पेशेंस से किया तो निकला, मतलब लग गया पौना एक घंटा, लेकिन आखिरकार मेहनत रंग लाई, खून पसीना हो गया तब जाके निकला वो। तब बोलते कि खून पसीने की मेहनत बहुत अच्छी होती है। तो अभी मैं रेडी हूँ ही, मैसेज आने वाला हूँ, शूज़ पहनूंगा मैं अपने ये और फिर निकल जाएंगे हम दसलेड़ा। तो ये हमने गाड़ी में सामान डाल लिया अभी और खड़ भी डाल लिए, बड़ुए अभी वहाँ से चाचा लेके आएंगे। चढ़ी लिखी चढ़ी गई, सामान डलवा लिया हमने, अभी हम निकलने वाले हैं तो चलते हैं अभी घर। गाइस गाइस मैं पहुंच गया हूँ अभी घर, ताया जी अपने घर चले गए और सामान ले आए हम, और 550 का सामान आया भैंस के लिए भी, और उसमें थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा दालें एक दो दालें थी जो हमारे लिए थी, बाकी उसका ही है कम से कम 4,500 का उसी का सामान है, शायद ज़्यादा भी हो सकता है इससे थोड़ा बहुत। हम चलेंगे उसके बाद थोड़ी देर बाद भैंस को लाने, तो फाइनली हमारी भैंस आने वाली है, मैं बहुत ही खुश हूँ। वो बोलते हैं ना कि गांव में ढिंडोरा बगल में छोरा, वो वाली बात हो गई है। तो मैं क्या बता रहा था, बेड़ी में ढूंढी बंगाणा परठी, फिर बिजड़ वाली साइड और उधर हर शोर से ऊपर जाता है कोई रास्ता उधर, मतलब हर जगह भरतपुर भी देखी, मतलब बहुत सारी ढूंढी हमने, लेकिन मिली कहाँ, बस यहीं पर 1 किलोमीटर आगे जो व्यापारी है वहाँ पे मिल गई हमें, डेयरी के पास जो हमारी जबोला की डेयरी उससे थोड़ा सा आगे व्यापारी है वहाँ पे मिली। तो ये मुहावरा एकदम सही बैठता है कि गांव में ढिंडोरा बगल में छोरा, वो वाली बात होगी अभी। तो फाइनली हमें भैंस मिल चुकी है, आपको रेट भी आके बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, अभी हुआ नहीं एकदम फिक्स, आगे चल के आपको रेट भी बताएंगे। तो गाइस अभी मैं अपने बोर्ड में हूँ, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं चूना, भैंस आने वाली है। तो अभी हमने ये खाली किया है पूरा, इसमें बहुत सारा सामान था, तो दीदी की शादी से पहले हमने यहाँ पे बहुत सारा सामान रख दिया था, अभी हम इसको कलर करने वाले हैं चूना, तो आपको एंड में बताएंगे। अब सीधा मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो हमने चूना किया वो कैसा हुआ है। सही हो गया जितना हुआ, अच्छा ही हो गया, अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा देखने के लिए। तो चलिए अभी दोपहर का टाइम हो गया, अभी खाना खुना खाएंगे। शाम के बज चुके हैं 5 और मेरे को अभी उठा दिया गया है, मतलब उठने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि थक गया हूँ, दोपहर को भी काम किया बहुत, 1:30 2 बज गए थे लगभग। मैं रेडी हो गया हूँ और मेरे को नींद इतनी गहरी पड़ चुकी थी क्योंकि मैं अभी लेट हो जाता हूँ वीडियो अपलोड करने में, तो 4 बजे तक मैं सब कंप्लीट करके अपलोड करके मतलब हाथ में फ़ोन पकड़ा था और ऐसे ही नींद पड़ गई है, तो अभी सेल फ़ोन भी पूरा चार्ज नहीं है। तो अभी चलते हैं, वो निकल गए आगे, मैं अभी कैच करता हूँ उनको।
आज लेके आया, तो जिम्मी का रिएक्शन इतना गंदा ना, मेरे को ऐसे मेरे इस शॉर्ट को ऐसे खींचने लग पड़ा, इसको गुस्सा आ रहा था कि मेरे को नहीं कर रहे थे। ये देखो क्या है, अब नहीं तू भेज देना, हमने तेरे को भेज देना, हमने अब आ गया नया बच्चू मेरे पास, अब नहीं रखना तेरे को, बाय बाय जा। नहीं 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 नहीं। और गाइस मम्मी तो इसी बात से खुश है कि अभी घास देख लो चरी कितनी लंबी हो चुकी है, हमने एक बार नहीं काटी, मम्मी की हाइट से भी ऊपर चली गई थी, तो मम्मी अभी खुश है और खुशी देखो चेहरे पे इनकी क्योंकि घास इतने टाइम बाद कुतरा है यहाँ पे और मशीन भी ठीक है, तो अभी खुशी बहुत है। और गाइस ये है खाना, खाना नहीं इसको बोल सकते हैं प्रोटीन, भैंस का ये प्रोटीन है। हे गाइस व्हाट इज अप, तो आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि 1 लाख की भैंस लेकर आए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो 1 लाख की कैसे पड़ी हमें, 85,000 की वो है और बाकी 15,000 मैं जोड़ रहा हूँ, 5,000 का उसका खाने पीने का सामान आ गया, बाकी 10,000 मैं जोड़ने वाला हूँ जो बेड़ी बंगाणा बिजड़ और भी कौन कौन सी जगह हम गए, वहाँ पे जाने का जो पेट्रोल का खर्चा आपको पता है पेट्रोल के दाम क्या बढ़ चुके हैं, और उसी हिसाब से मैं इस भैंस का रेट लगा रहा था 1 लाख, मतलब इस भैंस को हमने पाने के लिए 1 लाख का खर्चा किया है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है एक। और अभी जस्ट मैं खाना खा के आया हूँ और अभी बहुत काम होने वाला है, मतलब भैंस का भी होता ही है, अभी एकदम से 7-8 महीने बाद एकदम से फिर से वही काम शुरू करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी आपको ये बताइए ब्लॉग कैसा लगा, एक्साइटेड है अभी क्योंकि वो छोटी सी एक कट्टी आई है, बहुत ही प्यारी है वो, उससे भी आपको मिलाएंगे एक बार अच्छे से मिलाएंगे, तो बाय बाय, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए और प्लीज़ अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरे को प्यार करते रहिए, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।